तो गाइस जहाँ पर पेड़ गिर गया है अपने गांव को, वहाँ पर पूरे लोग गांव के लोग गांव का बहुत पुराना जो पेड़ था बर गया, पीपल का वो गिर चुका है। पूरे गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। बहुत दुखद नजारा है ये, देख रहे हैं। ये महिलाएं जो यहां इस पेड़ की पूजा करती थी, वो उसका आंसू निकल गया है यहां पर। और बच्चे भी हंस रहे हैं थोड़ा। हमारे गाँव के कटप्पा महोदय यहाँ पर उपस्थित है। महिलाओं का चेहरा देखने लगे थे तो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं, हमारे सब्सक्राइबर महोदय यहाँ पर खड़े हुए थे। भवन बाल बाल बचा है, देखो भवन अच्छा है, तगड़ा है, आज इसी साल बना है। तो ये है अंदर का नजारा। इस पेड़ बहुत ही बड़ा था, लेकिन ये छोटा दिख रहा है इस कैमरे में। बहुत ही बड़ा है ये पेड़। रोड को कवर कर दिया ये पेड़। हमारे गांव का इतिहास बता रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच महोदय हैं, यहां पर चर्चा हो रहा है ये पेड़ आखिर हुआ कैसे। पूरा गांव का इतिहास बताया जा रहा है। सरपंच महोदय सामने खड़ी है। बच्चे देख रहे हैं।
अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दुख नहीं है पेड़? कैसा लग रहा है आपको पेड़ गिर गया तो? बहुत पूर्वज वाला पेड़ था ये। बताइए बताइए, आपको शूट किया जा रहा है, बोलिए। बाबा नर्वस लग रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या किया जाए देखते हैं। ये ज्यादा वो लग रही है क्या? बुजुर्गों का हंसी भी छूट रहा है। सामने में दाई है, उन्होंने पूरा नजारा देखा। यहाँ पर सामने उनकी दुकान है, उन्होंने पूरा देखा कि पेड़ कैसे गिरा। थोड़ी नर्वस है क्योंकि कैमरे के सामने कहीं नहीं आई। तो ठगी रितल देखे तो? नहीं देखे हैं ना। हाँ ठीक है। बस्ती में गांव नाला मान कोई नहीं जाने जागे है तेला। हाँ हाँ, यहाँ बहुत दिन की जागे है, उनका बान होते पीपर है। दाई ये जब गांव नहीं बसा था तब क्या है क्या ये पेड़? हाँ 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 हा। तो दाई ने अपना इन्फॉर्मेशन दी। थोड़ा सा रीत गाँव तब क्या रे आगे ढला हो तो। धन्यवाद दाई इस इन्फॉर्मेशन के लिए। वो हो गया, जमीन भी फट गया है यहाँ पर। ये वो पेड़ है, ये वो पेड़ है जो गिरा है, वो बहुत बड़ा है, देख लो। यही है वो पेड़ जहाँ पर हम बचपन में झूले झूला करते थे, यही इसी की छाओं में बैठकर अपन खेला करते थे। तो फाइनली ये गिर चुका है। ये अपना चैतन्य लाइफ नॉलेज चैनल का भाई है। तो ये पेड़ बहुत अति ऐतिहासिक पेड़ है, बहुत पुराने ज़माने का है। इसमें हम लोग बचपन में खेला करते थे, बहुत मज़ा आता था। ये सामने आंगनबाड़ी है, वहीं पर हम लोग पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये है आंगनबाड़ी। यस बॉस। वो वर्षों पुराना वृक्ष जो है धारा सही हो गया, इसके लिए खेद है। जड़ की पकड़ कमजोर थी इसलिए पेड़ गिर गया है। बीच यहाँ पर है आंगनबाड़ी की मैडम जो सदियों से इस पेड़ को देख रही थी। आंगनबाड़ी जो यहाँ पर सामने ही है उनकी मैडम है। मैडम जी बताइए इस पेड़ के बारे में कुछ। अब मेरे जानकारी, अब मेरे को तो यहाँ आए 45 साल हो गया, लेकिन जब से मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, अब यहाँ केंद्र संचालित कर रही हूँ, तब से ये पेड़ मौजूद है। बताते हैं पूर्वज की 300 साल से ऊपर है, जो पूर्वज चले गए दो पीढ़ी, उन लोग भी नहीं जानते कि पेड़ कब से है। पहले बस्ती छोटा था, तब से पेड़ है, इसको किसी को मालूम नहीं है। अभी जो वर्तमान में है उनको, ये हमारे आंगनबाड़ी के पास ही है, गनीमत। यहाँ पर क्या है,